आज सिवान शहर के अधिवक्ता संघ सभागार में क्रीड़ा भारती खेल गुरु का सम्मान समारोह का प्रथम जिला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रीय मंत्री क्रीड़ा भारती के संजय तिवारी पहुँचे। सिवान जिले में खेल से संबंधित सभी खिलाड़ी एवं उनके अध्यक्ष एवं कोच को क्रीड़ा भारती टीम के द्वारा शॉल एवं मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सिवान जिला में यह सबसे बड़ा भारतीय खेल गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला भर के सभी खिलाड़ी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर अधिकारी, माननीय मंत्री क्रीड़ा भारती बिहार एवं गरिमामयी उपस्थिति डॉक्टर विनय कुमार सिंह, माननीय जिला संघ संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिवान एवं अमित कुमार ठाकुर, माननीय प्रांत मंत्री क्रीड़ा भारती उत्तर बिहार के सभी लोग उपस्थित रहे। इस सभा को संचालित नवीन सिंह परमार कर रहे थे, जिन्होंने कार्यक्रम में आए सभी अतिथि एवं खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, ज्योति
हम चाहे कि बच्चे के भी आप लोग प्रश्न सुने। डॉक्टर से कल हम सबसे आश्चर्य की बात है, हम लोग एक्सप्रेस लगाए हुए थे कि पुराने स्कूल का मंत्री थे, तो बच्ची की माँ बोली कि आप ऐसे पुरा में जब भी एक हमको बुलाइए, क्योंकि डॉक्टर से बात दिया कि बच्ची की रोशनी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जब तक रोशनी हाथ में तब तक अच्छे से कार्य को देख सके। बहुत सारे डॉक्टर इनको बोल दिए कि बच्ची का आँख नहीं हो पाएगा, धीरे रोशनी खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं कि बच्ची को हर चीज़ मिले जो देखना चाहते हैं। अब मैं बंकू को पढ़ाती हूँ और आज ये कीड़ा भारती का जो कार्यक्रम हुआ तो मैं हम आया है। इन सबका कार्य बहुत ही अच्छा है और टीम अनमोल बहुत अच्छा कार्य कर रही है, जिन्होंने हमें बुलाया उनके लिए। बच्चों को पढ़ाएं, कहाँ से आपको ये मन में आया कि हम बच्चों को पढ़ाएं, क्या देखकर? मैं गांव में जब दादी पढ़ाती थी तो मैं नानी के पास, तो दादी आते तो बड़ी गालियाँ करते बोलते थे, खुद उल्टी उल्टे वार के बोलते हम बोलते थे। तो मेरे मन में भी डर है कि मैं इन्हें सुधारूँ, और सुधारने का तब से अच्छा तरीका हमको लगा जो है वो है टीचर, क्योंकि टीचर होंगे तभी तो जानेंगे ना कि कैदे बोलना है कैदे क्या कार्य करना है। तो आपने शिक्षा कहाँ से लिया, कैसे लिया? टीचर उन्होंने माता पिता और गुरु से मिला है। कितने साल से बच्चों को पढ़ाते आ रही हैं अपने गांव में? मैं 2012 से पढ़ा रही हूँ। 2015 से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। बच्चों को कैसे पढ़ा रही है, पैसा लेके पढ़ा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही है, क्या कुछ? मैं तो बच्चों को पूरी तरीके से निःशुल्क शिक्षा देती हूँ, एक भी रुपये नहीं लेती। आपके परिवार में कौन कौन है? आपके परिवार पे कौन कौन है? मेरे माँ, मेरी बहन, नाना, नानी और हम। फिर आप लोग का परिवार कैसे चलता है? फिर मम्मा का थोड़ा सा पार्लर है और नाना जी का दुकान है, ते हमारा घर चलता है। समारोह का आयोजन किया गया था, इसके बारे में क्या कहेंगे सर? क्रीड़ा भारती का जो उद्देश्य है खेल और खिलाड़ियों को समर्पित की खेल संस्था, खिलाड़ियों के अंदर में आत्मविश्वास का निर्माण करना, दृढ़ संकल्प के साथ भारत का नाम विश्व के मंच पर कैसे हम देखेंगे, आगामी 2032 तक भारतीय ओलंपिक मेडल प्राप्त करने वाला ऐसा खिलाड़ी हम खड़ा करने का काम क्रीड़ा भारती के द्वारा भी हो रहा है। इसी निमित्त सभी खेल समन्वय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए और उनको हम प्रोत्साहित करें, उनको उत्साहित करें और उनके पास जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की सरकार के साथ बातचीत करते हुए भी हर प्रकार से सामाजिक आर्थिक हर प्रकार का लाभ उनको मिले ताकि वो आगे बढ़ सकें। ऐसा उद्देश्य के साथ क्रीड़ा भारती का यह जिला सम्मेलन प्रत्येक देश के सभी जिलों में संपन्न हो रही है। इसका समापन आज बिहार का यहाँ पे हुआ है। निश्चित रूप से इस प्रकार से आगे भी हम प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। सिवान में सर आए हैं और खिलाड़ियों को सम्मान दिया गया है, कितना मनोबल बढ़ता है खिलाड़ियों का इससे? निश्चित रूप से क्रीड़ा भारती खिलाड़ियों के सम्मान के साथ होती है और उनका सम्मान क्रीड़ा भारती का सम्मान है। निश्चित रूप से भारत माता का सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। भारत का मान और प्रतिष्ठा विश्व के मंच पर कैसे बढ़े, खेल के क्षेत्र में ही नहीं सामाजिक आर्थिक हर प्रकार से क्षेत्र में भारत स्वावलंबी बने, इस दिशा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन ही एकमात्र विकल्प है जो हमने किया है। सर सिवान में आए हैं और इस सभा में आए हैं, क्या कुछ खास अच्छा लगा आपको यहाँ पे आके? निश्चित रूप से एक वीर भूमि है सिवान, निश्चित रूप से यहाँ पर जिस प्रकार से देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय भारत का गोल्ड मेडल भी भारत का सिवान दे, ऐसी अपेक्षा हमारा है। इस विश्वास के साथ मैं यहाँ आया हूँ और इस विश्वास के साथ भी मैं जा रहा हूँ और निश्चित रूप से पूरे सिवान विश्व भारत के मानचित्र पर आगे बढ़ेगा, ऐसा विश्वास है। थैंक यू। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा भाग्यवाद आदरणीय प्रभात रंजन जी, कीड़ा भारती के
का अध्यक्ष श्री प्रदेश प्रसाद सिंह जी व सम्मेलन और सूर्य सप्तमी तक सूर्य नमस्कार